ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार को शुरू हो गया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर ने अपने मैनेजर जेम्स एटकिंस के जरिए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एटकिंस ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि 6 साल पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट मैच के दौरान बॉल डंपिंग की घटना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों के दबाव में किया गया था। इसमें खिलाड़ियों की ज्यादा गलती नहीं थी। उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गई थी और उसे पारी के अंतर से हार मिली थी। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के अधिकारी ड्रेसिंग रूम में आए थे और टीम को बॉल टैंपिंग कर बॉल रिवर्स स्विंग करवाने की सलाह दी थी। एटकिंस ने कहा कि 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर बॉल टैंपरिंग के लिए वार्नर पर आजीवन लीडरशिप बैन लगाना गलत है। अगर सच्चाई बाहर आई तो कई बड़े खिलाड़ी और बोर्ड के अधिकारियों के नाम भी सामने आएंगे। उन्होंने दावा किया कि जब बॉल टैंपरिंग का यह पूरा विवाद चल रहा था उस वक्त वार्नर का परिवार काफी डिस्टर्ब था। वार्नर के वाइफ कैंडिस ने इस दौरान एक बच्चा भी खो दिया था जो परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।